वेलकम फ्रेंड ट्रेवलर क्लासेस, स्वागत है आपका ट्रेवलर क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो क्या है ग्रेविटेशनल है। जो क्या है ग्रेविटेशनल है। ग्रेविटेशनल क्या है, इसके स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को बारे में सोचते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं उसी ग्रेविटेशन से। तो सिंपली कुछ फिनोमेना कर ले कि जो फ्रूट टूटता है, जो फ्रूट टूटता है वो नीचे क्यों गिरता है, और यही क्वेश्चन न्यूटन के माइंड में भी आया था, यही क्वेश्चन न्यूटन के माइंड में भी आया था। लेकिन हमारे को लोगों के अंदर मिथ क्या भरा दिया जाता है कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे नहीं हुए थे, ये उनकी बुक में साफ उन्होंने इस बात का जिक्र किया है वो पेड़ के नीचे, ये नहीं ये मैं वो जैसा बात था, लेकिन वो दरवाजे पर खड़े थे और पेड़ जो फ्रूट था वो नीचे टूट कर गिर रहा था उस पर। क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं हर बात को क्या करते हैं, अलग एंगल से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो कुछ नई चीजें निकाल कर देखते हैं। न्यूटन के ये चीज ऑब्जर्व करने से पहले भी फ्रूट टूटता था तो नीचे ही गिरता था, तो क्या उससे पहले ग्रेविटी काम नहीं करती थी? करती थी। न्यूटन ने इस चीज को बतलाया, तो ऐसे ऐसे एक फ्रूट गिरने का ही नहीं था, ऐसे ऐसे बहुत से इवेंट थे। अब क्वेश्चन शुरू करते कि बारिश होती है नीचे क्यों आती है, बारिश होती है तो बारिश की बूंद नीचे ही क्यों आती है, इसमें भी ग्रेविटी का यूज है। कोई इस पर भी सोचता तो किसका खोज लेता, ग्रेविटी को खोज सकता था इस वाले फिनोमेना में भी। ये नहीं था कि फ्रूट टूट के नीचे गिरे था इसी से केवल ग्रेविटी खोजा जा सकता था। ग्रेविटी अगर खोजने का देखने का एंगल होता तो आदमी कई जगह पर क्या कर सकता है, ग्रेविटी को ढूंढ सकता है। जो नदियों का जल होता है या जो झरनों झील तालाबों का जो जल होता है वो गड्ढों या खाल की तरफ जिधर स्लोप गहरा होता है उधर क्यों बहता है, ग्रेविटी के कारण। इस चौक को हम क्या कर देते हैं, फ्री फॉल छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, तो ये नीचे ही जाकर क्यों रुकता है, नीचे ही जाकर या क्यों नीचे रुकता है, ग्रेविटी के कारण। तो इन सारा ये चीज इवेंट क्यों हो रहे हैं इसका हम बात अगर जानने की कोशिश करते हैं, ये जितने मैंने क्वेश्चन कहा ये क्यों होते हैं इसको जानने की हम क्या करते हैं कोशिश करते हैं। तो हमने इसके पीछे वाले चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में क्या जाना था, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, अपने पोजीशन को क्यों कर रहा है चेंज, यदि अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है मतलब उससे फोर्स क्या हो रहा है अप्लाई हो रहा है। क्योंकि इनर्शिया में आना था हमने, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है बॉडीज है अपने पोजीशन को क्या रखना चाहती है, मेंटेन करना चाहती है, और वो पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रही है क्यों, उसके उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, पानी स्लोप की तरफ क्यों जा रहा है, ये चौक नीचे क्यों जा रहा है, फ्रूट टूटने के बाद नीचे क्यों आ रहा है, मतलब उन सारे चीजों पर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है, और वो फोर्स कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, बात करते हैं क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और बहुत से बच्चे होते हैं वो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या करते हैं अंतर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है डिफरेंस है। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्रेविटी की, बात क्या करते हैं सबसे पहले ग्रेविटी की, और उसके बाद बात करेंगे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो अर्थ किसी भी चीज पर, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर बात करें पार्टिकुलर अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करती है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, क्या करती है, जैसे ये जो भी चीज है अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है एनी अर्थ के ऊपर कुछ भी ऑब्जेक्ट ले, अर्थ में कुछ भी ऑब्जेक्ट ले, अर्थ उन सब पर क्या करती है एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, वही फोर्स क्या कहलाता है ग्रेविटी कहलाता है, क्या कहलाता है ग्रेविटी कहलाता है, क्या कहलाता है। तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाती है वो फोर्स क्या कहलाती है ग्रेविटी कहलाती है, क्या कहलाती है ग्रेविटी कहलाती है। लेकिन न्यूटन साहब थे, जो जो सर न्यूटन थे वे जो बातें करते थे पार्टिकुलर किसी एक चीज के लिए बातें नहीं करते थे, उनकी जो बातें होती थी यूनिवर्सल लेवल की बातें करते थे, वो यूनिवर्सल फिजिक्स जानते थे वो। न्यूटन के जितने मोशन पढ़ा था वो किसी एक टॉपिक के लिए अप्लाई था नहीं, ऑल बॉडीज के लिए अप्लाई होता था। तो उन्होंने ये जो फोर्स बताया ग्रेविटेशन बताया ये बात क्या करते हैं यूनिवर्सल लॉ बात करते हैं। तो अगर बात करें कि अर्थ जो है एक प्लेनेट है, क्या है एक प्लेनेट है, वो किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करती है फोर्स लगाती है, इसको क्या कह दिया गया ग्रेविटी कह। तो न्यूटन ने सोचा कि क्या और भी जो प्लेनेट है, 8 प्लेनेट है हमारे पास, जुपिटर है मार्स है मरकरी और भी प्लेनेट है, क्या वो भी प्लेनेट किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो हाँ वो सब भी प्लेनेट क्या करते हैं अट्रैक्शन फोर्स, तो उस सब फोर्स को क्या कहेंगे अर्थ, जिस पार्टिकुलर बॉडी अर्थ पार्टिकुलर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे यदि अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है तो उसे हम क्या कह रहे हैं
ग्रेविटी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ग्रेविटी कह रहे हैं। लेकिन और भी तो प्लैनेट हैं, तो वो भी सब तो अट्रैक्शन फोर्स लगा देंगे, तो क्या उसे भी ग्रेविटी कहेंगे? नहीं, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं उसको, हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन कहेंगे। और यहीं से न्यूटन ने क्या निकाल दिया, एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल बताया, क्या बताया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताया, कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट को ले लें, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लें, या एवरी सेलेस्टियल बॉडी, एवरी सेलेस्टियल बॉडी क्या कहलाता है, यूनिवर्स का कोई भी पार्टिकल ले लें, यूनिवर्स का कोई भी एक डस्ट पार्टिकल ले लें, एक आयरन पार्टिकल ले लें, एक प्लैनेट ले लें, एवरीथिंग या एवरी बॉडी इन यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, इज कॉल्ड, तो एवरी सेलेस्टियल बॉडीज अप्लाइड अट्रैक्शन फोर्स। यूनिवर्स का कोई भी सेलेस्टियल बॉडी होगा वो एक दूसरे पर क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, क्या करेंगे, वही अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और यही जो है क्या कहलाता है, ये जो लॉ है ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कहलाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। लेकिन हम बात करें अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्थ किसी भी चीज पर पार्टिकुलर फोर्स लगाती है तो वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी है। लेकिन अगर इसको ग्रेविटेशन के एंगल देखते हैं तो अर्थ कहाँ है, यूनिवर्स में है, है कि नहीं, जिस पार्टिकल पे फोर्स लगा रही है वो भी कहाँ है, यूनिवर्स में है। इस एंगल से इस फोर्स को भी क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। तो ग्रेविटी इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी इज ए, लेकिन ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉट ग्रेविटी, ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉट ग्रेविटी। ग्रेविटी सिर्फ उसे कह सकते हैं पार्टिकुलर अर्थ हमारा जिस बॉडी पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, उसे क्या कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। और पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडी हो, यदि वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और यही जो लॉ है क्या कहलाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात न्यूटन ने बताया, ये बात क्या बताया, देखने में तो बात बहुत सिंपल लगती है, देखने में तो बात बहुत, लेकिन जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, है नहीं। ये न्यूटन सर के कहने का मतलब क्या है, कोई भी दो बॉडी ले लें, कोई भी दो बॉडी ले लें, एक कार यहाँ है, एक कार यहाँ है, ये चौक यहाँ है, ये चौक यहाँ है, ये दो चौक यहाँ पर है, तो इन दोनों में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। कोई भी दो बॉडी ले लें, हमारे पास बीच में अर्थ, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, क्या करें, तो बीच में क्या होता है, सन होता है, क्या होता है, और इसके ऑर्बिट में ये प्लैनेट क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो सारे प्लैनेट और सन एक दूसरे पे क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। अट्रैक्शन फोर्स मतलब एक दूसरे को खींचने वाला फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स मतलब एक दूसरे को, तो जब अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं तो ये जो भी दो बॉडी पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो ये दो बॉडी कोलाइज आपस में आकर क्यों नहीं कर जाती हैं, दो बॉडी आपस में कोलाइज आकर क्यों नहीं कर पाती हैं, ये क्वेश्चन बनता कि नहीं बनता। जब ये बात न्यूटन ने रखा था, लोगों के सामने रखा, जब ये बात अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सामने न्यूटन ने रखा, तो ये क्वेश्चन न्यूटन किसी भी लोगों ने किया कि आप तो सर कहें कि एवरी बॉडी या एवरी सेलेस्टियल बॉडी इन यूनिवर्स, एवरी सेलेस्टियल बॉडी इन अप्लाई अट्रैक्शन फोर्स, अप्लाइड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और सिर्फ ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं बताया, उसका जो रूल एंड रेगुलेशन है वो भी न्यूटन साहब ने क्या लेकर के बताया, बताया। तो उन्होंने बताया क्या कि हम ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, हम ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटी की बात हम ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं, वो भी किसके लिए बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, पूरी यूनिवर्स के लिए, पूरी यूनिवर्स। तो मान लेते हैं हमारा ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट है या कोई भी दो बॉडीज है, कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडी जब होगा तो यदि वो यूनिवर्स में है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। तो यदि कोई भी दो बॉडीज हो और उनमें कुछ डिस्टेंस हो, उनमें कुछ क्या हो, डिस्टेंस हो, उनमें कुछ क्या हो, डिस्टेंस हो। अब एक सेलेस्टियल बॉडी ये ले रहे हैं और एक सेलेस्टियल बॉडी ये ले रहे हैं, इनका डिस्टेंस ही जीरो कर दे, डिस्टेंस ही क्या कर दे, इनमें ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए, डिस्टेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए। अभी डिस्टेंस जीरो करने से फोर्स कैसे नहीं लगता ही बताते हैं, क्लियर। तो उसमें कुछ डिस्टेंस हो और मास हो उनमें, तो उनमें क्या लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो हम क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन ने बताया कि एवरी सेलेस्टियल बॉडी इन यूनिवर्स, एवरी सेलेस्टियल बॉडी इन
अप्लाइड अट्रैक्शन फोर्स, अप्लाइड, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट M1 है ये, और ये कि ऑब्जेक्ट M2 है, ये दोनों सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये एक दूसरे पर क्या करेंगी, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड करेंगी, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई, तो वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, F होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, F, और यही F क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, क्या कहलाता है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो बताएगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो जो ऑब्जेक्ट, जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाए अप्लाइड करेंगे, वो अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, किनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास, केवल मास के नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मास किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास। न्यूटन ने बताया कि एवरी सेलेस्टियल बॉडी इन यूनिवर्स अप्लाइड अट्रैक्शन फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। लोगों ने ठीक है भाई, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है मान लेते हैं, लगाता है, वो फोर्स को कैसे काउंट कर सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं या क्या है फोर्स, वो तो बताया कि हाँ वो फोर्स के बारे में बताते हैं न्यूटन, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल के आदमी थे न्यूटन सर, बहुत चीजें सोच कर तब प्रूफ के साथ आते थे, वो ऐसी सोच सोच कर नहीं चले आते थे, ऐसे नहीं कि दो चीज सोचे चले आए, नहीं पूरी काम करके आते थे, तो वो ऐसे नहीं बस बोल दिए नशे में कि हाँ दो बॉडी है और वो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इतना ही सोच कर नहीं चले आए, उस पर क्या करके आए थे, वो पूरी रिसर्च करके आए थे, तो बताया कि हाँ देखो जो दो बॉडी है वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जो फोर्स होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उनके प्रोडक्ट के ऑफ मास के, प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब यदि मास बढ़ा देंगे, मास तो फोर्स क्या होने लगेगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्लियर। उसके बाद बताया कि जो ये फोर्स होता है, जो ये क्या होता है, फोर्स होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को आर कहते हैं, डिस्टेंस को क्या डिनोट करते हैं, आर कहते हैं, तो वो जो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के, ये दो बातें इन फोर्स के रिलेटेड बताया, ये दो बातें क्या बतलाया, फोर्स के रिलेटेड बतलाया, क्या बतलाया, ये मतलब क्या कि जो दो बॉडीज हैं, ये जो फोर्स होगा, ये किस फोर्स जो होगा वो किसके पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उनके मास के, यानी मास को बढ़ाते जाएंगे, मास को क्या करते जाएंगे, तो फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्या होते जाएगा, ऐसे इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, दो छोटे छोटे चुंबक को ले लें, दो छोटे छोटे क्या कर लें, चुंबक को ले लें, दो छोटे छोटे क्या कर लें, चुंबक को ले ले और ऐसे सटाएं, ऐसे क्या करें तो आसानी से सट जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, और हटाना भी चाहे तो क्या हो जाता है, हट जाता है, हमने अब हम क्या करें, बड़ा बड़ा चुंबक लेके आए, एक इतना बड़ा चुंबक लेकर आए और इतना बड़ा चुंबक लेकर आए, ऐसे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इतना दूर रखेंगे तो हमको फोर्स फील होने लगेगा, एक यहाँ रहें एक यहाँ रहें तो भी हमको फोर्स क्या होने लगेगा, फील होने लगेगा, क्यों, हमने मास को बढ़ाया था, हमने किसको बढ़ाया था, मास को बढ़ाया था, तो फोर्स क्या हो गया, बढ़ने लगा, और फोर्स क्या हो गया, हमको दिखने लगा, अभी ये दो चौक है, ये दो चौक है कि नहीं, ये दो चौक है, इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों फील नहीं हो रहा है, मास बहुत कम है, मास बहुत क्या है, कम है, मास बहुत क्या है, कम है, लेकिन यदि मास बढ़ा देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होने लगेगा, जब मास बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इफेक्ट दिखाता है, बात करते हैं, तो ये बात समझ में आया, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के, अब मास के या प्रोडक्ट ऑफ मास के, अब हम एक चौक चला के किसी को मारें, क्या करें, एक चौक चला के किसी को मारें, वो बस सर मार दीजिए, चोट तो लगेगा नहीं, चोट तो, अब हम क्या करें, ये स्टूल चला के मारें, क्या करें, स्टूल चला के मारे तो कहेंगे सर बत मारिए बेकार में फूट जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि मास बढ़ा दिए, अब जो ये 200 ग्राम का था, 2 ग्राम का था ना, अब कितना ग्राम का हो जाएगा, 250 ग्राम का हो जाएगा, कितना ग्राम का हो जाएगा, तो जो मास बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्लियर। दो बात करते हैं, जो फोर्स होता है तो प्रोडक्ट ऑफ मास से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। कैसे होता है, अभी हमने समझाया, कैसे होता है, अभी हमने समझाया,
अब बात करते हैं जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के यानी डिस्टेंस एक सेंटीमीटर कम करेंगे तो फोर्स कितना होगा, एक सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। यदि डिस्टेंस दो सेंटीमीटर कम करेंगे तो फोर्स कितना बढ़ जाएगा, दो सेंटीमीटर नहीं बढ़ेगा कद है स्क्वायर, चार सेंटीमीटर बढ़ेगा। यहाँ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के है। फोर्स दो यूनिट कम करेंगे, डिस्टेंस दो यूनिट कम करेंगे तो फोर्स चार यूनिट बढ़ेगा। फोर्स चार यूनिट कम करेंगे डिस्टेंस चार यूनिट कम करेंगे तो फोर्स का स्क्वायर 16 यूनिट बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस 5 यूनिट कम करेंगे तो कितना यूनिट बढ़ेगा, 25 यूनिट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर फोर्स के। जो डिस्टेंस है, जो फोर्स है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं, बहुत से एग्जांपल हैं। एक को यहाँ, अब मुझको किसी को गोली मारना है, क्या करना है, गोली मारना है, तो पास बुला के खड़ा करे, खड़ा हो जाए तब गोली मारेंगे, इफेक्ट ज़्यादा होगा ना, गोली आर पार कर सकती है। और कुछ दूर पर ला के खड़ा करें तो गोली छूके भी गिर जाएगी। ऐसे भी समझ सकते हैं, दो मैग्नेट लेते हैं, क्या करते हैं, एक मैग्नेट को यहाँ पर रखें और एक मैग्नेट को यहाँ पर रखें, सटेगा नहीं, फोर्स नहीं लग रहा है। डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो क्या बताएं, जो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, फोर्स घटेगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और घटेगा भी तो किस रेट से, स्क्वायर के रेट से, किसके रेट से, इसीलिए इतना डिस्टेंस करने पर सटबे नहीं करेगा। क्यों, इतना डिस्टेंस बढ़ाए उन्होंने तो फोर्स इसका स्क्वायर के रेट से घट जाएगा, क्या हो जाएगा, और जैसे इतना पास लाते चिपक देना सट जाता है। क्यों भाई, क्योंकि जैसे ही डिस्टेंस घटाते हो तो फोर्स उसके स्क्वायर ग्रेड से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो न्यूटन ने ये दो बात बतलाया अपने, किस फोर्स में, ग्रेविटेशन फोर्स में। आगे इस फोर्स का अभी हम क्या करते हैं, ये दो रिलेशन बनाया, इसे इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं, दो मान लेते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है हम देखते हैं। इस वीडियो में हमने क्या देखा, मेनली दो टॉपिक देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या करते हैं, एक ही समझ लेते हैं। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी भी एक क्या है, लेकिन वो पार्टिकुलर किसके टर्म में यूज किया जाता है, अर्थ जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो वो क्या कहलाएगा, अर्थ सन पे अपना फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लगाती है वो ग्रेविटी होगी, अर्थ मून पे अट्रैक्शन फोर्स लगाती है ग्रेविटी होगी। लेकिन अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें, पूरी तो यूनिवर्स में बहुत से बॉडीज हैं, तो कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, वही अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। अभी इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम खड़ा किए हैं, जब अट्रैक्शन फोर्स लगाता है तो वो एक दूसरे से कोलाइज क्यों नहीं होती है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बड़ा कॉन्सेप्ट जानने के बाद हटेगा। इसके लिए दो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं क्यों नहीं हटती है। इस क्वेश्चन को जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, उस वीडियो में ग्रेविटेशनल फोर्स का एसआई यूनिट और फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं बात करते हैं। धन्यवाद।